दोस्तों, विचित्र तरह के जानवर तो आपने इस चैनल पर बहुत से देखे, लेकिन आज जिस जानवर के बारे में आप जानोगे उसके बाद आप कहोगे, भाई मजा आया। हनी बैजर। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड्स मोस्ट फियरलेस क्रिएचर के नाम से दर्ज किया गया है। ये जानवर न सिर्फ बहुत खूंखार और निडर है, बल्कि बेहद चालाक और बुद्धिमान भी है। इस जानवर को बंद करके रखना बहुत मुश्किल है। मोह लोहलो वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब इसे बंद करके देखभाल के लिए रखा गया तो पाया गया कि ये वहां के दरवाजे की कुंडी तक को खोलने में सक्षम थे। फिर उस कुंडी को तार से भी बांध दिया गया, लेकिन ये उसे भी खोल लेते थे। और अगर दीवार को चारों तरफ से घेर दिया जाए तो ये जमीन के नीचे से खोदकर भागने लगते थे। इनकी बुद्धिमता को देखते हुए रिसर्चर्स ने पाया कि इनका दिमाग इतना तेज होता है कि अगर वो नीचे से नहीं खोद पाए तो उस केस में पहले तो ये दीवार को एनालाइज करता है और फिर वहां से निकलने की प्लानिंग। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दीवार पर कुछ पत्थर या मिट्टी को एक के ऊपर एक रख के उसे ऊंचा बनाते हैं और फिर वहां से निकल भागते हैं। और अगर वहां मिट्टी और पत्थर भी नहीं हुआ तो ये किसी डंडे के सहारे भी बड़ी चालाकी से भाग निकलते हैं। इनके भाग निकलने के तरीकों को देख के ऐसा लगता है कि मानो किसी इंसान ने ये सब किया है। देखने में हनी बैजर नेवला और भालू का मिलाजुला रूप लगता है। इसके पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल और पैर में लंबे नुकीले नाखून होते हैं। ये जंगल में फल फूल के साथ साथ छोटे मोटे जीव जंतु और दीमक आदि खा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ये कुछ भी खा लेता है। ये अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और भारत में पाया जाता है। भारत में इसे बिज्जू नाम से भी जाना जाता है। ये खासकर नदियों तालाबों के तटों में 25-30 फीट लंबी गुफानुमा घर बनाकर रहता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सफेद और बाकी पार्ट्स काला होता है। इसके लड़ाकू और गुस्सैल स्वभाव के चलते दूसरे जानवर इससे दूर ही रहते हैं, और खूंखार जीव जैसे शेर और चीता भी इस पर हमला करने से पहले सोचते हैं। मादा हनी बैजर तो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर चीता पर बिना डर के ही उनसे भिड़ जाती है और उन्हें खदेड़ देती है। छोटे मोटे शिकारी जानवरों को तो ये जैसे भाव ही नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि लोमड़ी और भेड़िया जैसे जानवर तो उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जहरीले जीवों जैसे कि सांप और बिच्छू को भी चट कर जाता है। हनी बैजर की बॉडी एंटी वेनम होने के साथ साथ इसकी खाल इतनी मोटी और सख्त होती है कि बिच्छू के डंक मारने और जहरीले सांपों के डसने के बावजूद इस जानवर पर उनके जहर का कोई असर नहीं होता। इसलिए ये खतरनाक से खतरनाक सांप पर बिना डर के हमला करके उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसका रोएदार खुरदरा शरीर और नन्ही नन्ही लेकिन मजबूत टांगे होती हैं, और इस जानवर के कान और आंख बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके देखने सुनने की काबिलियत काबिले तारीफ है। जमीन के नीचे जरा से भी हलचल से और किसी जानवर की गंध से ये उन्हें ढूंढ लेता है। खासकर खरगोश और चूहों को उनका बिल खोद कर उन्हें दबोच लेता है। भूख लगने पर यह मधुमक्खी के छत्तों को भी नहीं छोड़ता। ये उनके छत्तों से शहद और मधुमक्खी के लार्वा खाने से भी पीछे नहीं हटता है। मधुमक्खी के लाख डंक मारने के बावजूद भी ये उसके छत्ते में कुछ टुकड़ा अपने लिए निकाल ही लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जानवर बहुत मीन यानी मतलबी होते हैं। ये खुद का तो घर नहीं बनाते, बट दूसरे के घर में घुसकर उस घर को अपना बना लेते हैं। ये अक्सर लोमड़ी और नेवले के बने बनाए घर से उन्हें खदेड़ देते हैं और उनके घर में घुसकर खुद राज करते हैं। भारत में इसे कई बार छोटे बच्चों पर भी हमला करते हुए देखा गया है, और तो और जमीन को खोदकर मुर्दों का मांस खाकर अपना पेट भरता है। तो दोस्तों, अगर आपका कभी इस जीव से पाला पड़े तो इसे दूर ही रहना, वरना इसे आपसे भिड़ते देर नहीं लगेगी। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।